अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर चुके तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अब खुलकर सामने आ रही है। तालिबान के ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहे अफगानिस्तान एयरफोर्स के A-29 लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान वायुसेना ने चेतावनी देकर खदेड़ दिया। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक स्पिन बोल्डाक इलाके में अफगानिस्तान की वायुसेना हमला करने जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से चेतावनी मिलने के बाद अफगानिस्तान के लड़ाकू विमान बिना हमला किए ही वापस अपने बेस पर लौट गए। अफगानी मीडिया टोलो न्यूज ने जानकारी दी है कि उसके पास सरकारी सूत्रों से मिली पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ हुई बातचीत की कॉपी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि अफगान वायुसेना को चेतावनी दी गई थी कि वो बॉर्डर के करीब आ रहे हैं। एक अफगान सैन्य अधिकारी का दावा है कि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वो चमन और स्पिन बोल्डाक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 18 किलोमीटर से ज्यादा करीब ना जाएं। रिपोर्ट में एक सैन्य विशेषज्ञ के हवाले से बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर एक ऑपरेशन करते समय सैन्य विमान को दूसरे देश की सीमा तक 10 समुद्री मील यानी 18.5 किलोमीटर के करीब नहीं जाना चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान ने इसी कानून को आधार बनाते हुए अफगान वायुसेना को कार्रवाई ना करने की धमकी दी थी। बुधवार को अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने दावा किया था कि पाकिस्तान वायुसेना ने अफगान सेना और वायुसेना को चेतावनी जारी की है कि स्पिन बोल्डाक इलाके से तालिबान को हटाने के किसी भी कदम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि पाकिस्तानी वायुसेना अब तालिबान को कुछ इलाकों में नज़दीकी हवाई मदद मुहैया करा रही है। कंधार प्रांत के इसी स्पिन बोल्डाक इलाके में बनी सीमा चौकी पर कब्जा करने के बाद तालिबान के हाथ 3 अरब रुपए लगे थे। ये पैसा अफगान सेना छोड़कर भाग गई थी, जिस पर तालिबान आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।